हाय एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द ओजी डायरीज। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाली हूँ बिकॉज कुछ काम पे मैं बिजी हूँ। सो आज का ये ब्लॉग बहुत ही अनप्लान्ड है, बट कुछ मोटी रेस के पीछे इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुल्तानगर आई थिंक अरुणाचल का पहला जू है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आज आपको क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे हमारे टिकट कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं बता दूँ पर पर्सन आपको 20 पड़ेंगे, फॉरेनर्स के लिए 100 पड़ता है। एंड अगर आप स्टिल कैमरा वगैरह लाते हो तो उसका चार्जेस अलग रहता है। ये जो ज़ू है ये मेन टाउन ईटानगर से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ता है। एंड यहाँ के जो नियरेस्ट जो जगह है जूली टाउन से ये 2 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए। मौसम बहुत ग्लूमी सा है बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आए हैं बिकॉज बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। तो हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ज़ू इन ईटानगर सिटी। जगह पे आपको देखने मिलेंगे मंकीज, होलोग गिबन, चिल्ड्रंस पार्क, रिंग रोड, वाइल्ड बोर। तो इस तरह से कैटेगराइज करके ये लोग रख देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लाइक आप के पास अगर टाइम बहुत कम हो तो आप स्पेसिफिकली आप क्या देखने आए हो वो आप आराम से देख सकते हैं। बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर, वेरी नाइस। हाय, आपका क्या नाम है? नाम ओ, आप क्या करने आए यहाँ पे? जू देखने आया है? पहले आया था? नहीं आया है। कैसे लगा आपको जू? बताओ हमको, यहाँ पे बताओ देख के। बहुत अच्छा है, बोलो। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे स्नैक हाउस पे आए थे, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे 3 स्नैक को रखा था, पाइथन बहुत बड़ा बड़ा। तो अभी नहीं है वो यहाँ पे बिकॉज अभी बहुत ग्लूमी सा मौसम है और मानसून के समय में बारिश वगैरह होने के कारण इन लोगों को अलग जगह शेल्टर किया जाता है। तो अभी आज बैड लक है मेरा, बहुत कम जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन भी लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या मिलता है, देखते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत सही रहता है यहाँ पे, लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं अभी क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। थोड़ा थोड़ा अभी भी ड्रिजलिंग हो रहा है, तो कैमरा वगैरह और उसके बाद फ़ोन वगैरह ख़राब होने का भी डर रहता है, इसीलिए शायद आज कम है विजिटर्स भी। बट हम लोग हार नहीं मानेंगे, विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड विल सी व्हाट वी हैव गॉट। क्योंकि अरुणाचल में आई थिंक 60% या 70% फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे कभी भी पालो वगैरह निकल जाता है, यहाँ से जंगली जानवर निकलते हैं। तो यहाँ पे ज़ू पे जो इन जानवरों को रेस्क्यू करके ज़ू पे जो लाते हैं उनको ऐसे ये लोग यहाँ पे साइन बोर्ड टांगते हैं जिससे ये है रेस्क्यूड एंड हैंडेड ओवर बाय डॉक्टर बीमन नातुंग, ने इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर हैंड ओवर किया है। ला 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 ला
यहाँ पे इस तरफ इनका घर बनाया जाता है। प्लेग्राउंड भी है और घर भी है। जैसे बारिश ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वो अंदर जाके है ना शेल्टर ले सकते हैं, और फिर धूप में यहाँ निकल के यहाँ जैसे कि पानी का वो रखा है पीने के लिए, और ये सब है। और वो वहाँ पे दूसरे वाले भालू का यू नो पैसेज बनाया हुआ है, तो कभी खाना देने जब जाते हैं तो उस ब्रिज के ऊपर से वो लोग खाना इनको पास करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक अभी 5 या 6 भालू है। तो पहले जब मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम तो उस समय सिर्फ 3 भालू था, तो आई थिंक इट्स इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, विच इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़। और ये हम भालू के यहाँ से जा रहे हैं। बाय बाय गाइस। तो यहाँ क्लोजिंग टाइम अभी 5 बजे का है, तो पता नहीं कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत लेट आ गया आज। लेट्स सी। हमारा अरुणाचल का डायनासोर, वाह। आपको क्या लगता है ये कौन से ज़माने का होगा? कमेंट बॉक्स पे आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि ये कितना साल पुराना होगा। अब मौसम देख सकते हैं, पूरा क्लाउड काला हो चुका है। यहाँ जब बारिश होते है तो आप यहाँ पे शेड पे स्टे कर सकते हो बारिश रुकने तक, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास और हमें जल्दी ही जल्द देखने हैं। ये हम डियर के पास मैं आई हूँ। ये यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर ये लोग रखते हैं, कुछ कुछ डॉटेड डियर्स भी है और कुछ सबका नाम अलग अलग है, साइंटिफिक नेम भी बहुत अलग अलग होता है, बट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है क्या क्या नाम है। बट ये वाला जो एनिमल है जो नीचे पे ये दाना चबा रहा है, ये एनिमल हमने शायद उसमें भी देखा था, उस मूवी में कौन सा क्या मोहनजोदारो में जो एक सेक्रेट एनिमल दिखाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट उन लोग ने उसको एनिमेशन करके वाइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर गोट जैसा भी है एंड रेनडियर टाइप का, यू नो इनके पास सिंग होता है, वो भी 4 सिंग है, विच इज़ वेरी यूनिक। पीछे से देखेंगे तो आपको ऐसे नॉर्मली गोट जैसा ही फीचर दिखने को मिलेगा, बट बहुत अलग है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और छोटे में तो उसका सिंग भी नहीं निकलता है, बिल्कुल एकदम गोट की तरह ही दिखता है। ये जो आप डियर देख रहे हैं ये नीचे मेरे, ये शायद मिजोरम का भी एक सेक्रेट एनिमल माना जाता है, शेरो करके नाम था क्या। सो फाइनली मैं अपने फेवरेट जगह पे आ चुकी हूँ, आपको दिखाऊंगी कि इस जू का मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट कौन सा है। तो मैंने इसे लास्ट में रखा है बिकॉज देयर इज़ द रीज़न, और इसके कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी अभी आगे चल के। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे वाइल्ड बोर, जैकल, पीएम हाउस, तो आई डोंट नो ये इस तरफ जाता है, बहुत दूर है तो मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं होलोक गिबन कंजर्वेशन ब्रीदिंग सेंटर, बायोलॉजिकल पार्क, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ द फर्स्ट जू इन द वर्ल्ड दैट हैज सक्सेसफुली ब्रेड होलोक गिबन इन कैप्टिविटी। यहाँ पे अंदर एंट्री प्रोहिबिटेड है, तो आप देख सकते हैं वी आर सो प्राउड। एक अरुणाचली होने के कारण आपको प्राउड होना चाहिए कि हमारे यहाँ होलोक गिबन जो ये जू में मिलता है वो दुनिया का सबसे पहला यू नो ब्रेड किया हुआ होलोक गिबन है।
एंड अब मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे फेवरेट पार्क की ओर, विच इज सब यहाँ के दाना चुग रहे हैं। सो गाइज इतना ही था बस आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही अनप्लान था बट फिर भी हमने ये वीडियो कुछ मोटिव से बनाया था, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्ट में। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज मैं थैंक्स करना चाहती थी एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर को। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो उसी के लिए मैंने ये जस्ट एक सब्जेक्ट रेफरेंस के लिए जू में आई थी मैं आप लोगों के लिए। तो मैं देर नहीं करके बहुत थैंक यू देना चाहूँगी पू ब्लॉग्स को, उन्होंने मेरा चैनल को अपने चैनल पे मेंशन किया मेरे चैनल को, और मेंशन ही नहीं किया उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने व्यूअर्स को बताया कि मेरे चैनल का किस तरह का कंटेंट रहता है और क्वालिटी कैसा होता है करके। सो आई गिव माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू पू ब्लॉग्स एंड ऑल द पू ब्लॉग्स फैमिली मेम्बर्स जिसने मेरे ब्लॉग्स को आके देखे और मुझे बहुत सारे प्यार दिए और मुझे कमेंट्स किए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सो मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूँगी फिर से, आई होप सो। मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि मैं और वीडियोज़ के साथ आऊँ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड adios।